जोड़ दें। तो बच्चे तो बहुत ज्यादा ये मशहूर है कैंडिडेट सीएसएस पीएमएस के लिए, तो आपको ये नीचे आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, जिसमें सरकार है इस तरह बेशतर लोग हैं जिनके मतलब सीएसएस ना सिर्फ क्वालिफाई हुए फिर उन्होंने एक अच्छी जगह एलोकेशन भी हासिल की। लेकिन इसके अलावा सैकड़ों ऐसी कैंपस मौजूद हैं जिन्होंने वन पेपर क्लियर किया, चार कैंपस अभी आपके सामने मौजूद होंगे तो आपको बताएंगी भी। और इसके अलावा ऐसे और बहुत सी कैंपस हैं जो कि पुलिस में सर्व कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, मेरे तहसील में सर्व कर रहे हैं, इससे पहले तहसीलदार भी हुए हैं, जो बैच हुआ था उसमें नायब तहसीलदार भी हुए हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुए हैं, एसपीएससी के थ्रू कस्टम इंस्पेक्टर हुए हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, नैब में एडी, एफआईए में इंस्पेक्टर कमेटी, इस तरह के बेशतर मिसालें भी मौजूद हैं जो शायद मतलब इतनी जगह नहीं है कि उनकी तस्वीरें दिखाई जा सके। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये अकेडमी जो ये वादा करती है कि आपको किसी सरकारी नौकरी के हसूल में आसानी होगी और आप उसको हासिल कर सकेंगे, वो वादा बहुत हद तक पूरा हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपने उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए सेमिनार रखा, तहसीलदार की नई सीखें। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि पंजाब में एक महकमा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको उर्फे आम में या उर्दू में महकमा माल कहा जाता है। अगर आपको मालूम हो कि फेडरल में इस तरह का महकमा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें सीएसएस के बाद लोग आईआरएस ग्रुप के जरिए इंडक्ट होते हैं, एसी रेवेन्यू बोला जाता है उसको, या एसी आईआरएस भी बोला जाता है, एसी इनकम टैक्स भी बोला जाता है, उनके नाम वो फेडरल लेवल पर है, एक टैक्स कलेक्टिंग इदारा है। इसी तरह एक टैक्स कलेक्टिंग इदारा पंजाब लेवल पर भी है, जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंजाब या पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन पर रहता है, पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन के ऊपर रहता है, वो लैंड रिकॉर्ड भी उसके अंदर शामिल होती है। लैंड रिकॉर्ड का मतलब ये कि आपकी कितनी आबादी किसके पास है, आप कितनी अराजी किस शख्स के पास है, कौन इसकी मलकियत में है, ये जमीन किसके कब्जा में है, कौन अगर तराई जमीन है तो इसमें खेती बाड़ी करता है, कौन जो है इसमें गुजारा है, कौन जो है मुस्तादरी करता है, इस सबका रिकॉर्ड भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ही होता है, उसका एक कंप्यूटराइज पार्ट ये ला रहे हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही मिलता है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक और काम भी करता है कि जिसमें सरकारी जमीनों की हिफाजत भी मौजूद है, कि कोई सरकारी जमीन पर कब्जा आ गया उसकी हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी में आती है। फिर जो जमीनें सरकार को चाहिए होती है उनको अक्वायर कैसे किया जाता है, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करके देता है। आपने पुल बनते हुए देखे होंगे, सड़कें बनते हुए देखी होंगी, मेट्रो बनती हुई देखी होगी, लेकिन वो मेट्रो पुल को सड़कें किसी ना किसी जमीन के ऊपर बनती, वो जमीन आम लोगों की होती है, तो वो जमीनें आती कहाँ से है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खरीद देता है गवर्नमेंट को नीलामी के जरिए या जिस भी प्रोसेस के ये वो लोग बेच रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, अनलाइक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये विलय इंतजामिया के तौर पर भी काम करता है। आपने जश्न बहारा को सुना होगा, मकान बनकर होता है हर साल लगे होते हैं, इसी तरह मैंगो फेस्टिवल लगे होते हैं, मैंगो के सीजन में किसान फेस्टिवल होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो जिले की होती है, आटे की तकसीम भी अभी अभी आपने देखी कि जब आटे का बोरान चल रहा था, तो खुदा का अगर आगे भी आ गया तो आप देखेंगे, तो ये सब काम भी पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर होता है। इससे थोड़ा सा आपको एहसास हो गया होगा कि तहसीलदार की जो जॉब है वो थोड़ी सी एक बड़ी ब्रॉड सी जॉब, आप उसको पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि वो ये काम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है तहसीलदार की तरह ही ये काम करवाती है सारा कुछ। तो आपके पास टैक्स कलेक्शन भी है, लैंड रिकॉर्ड भी है, लैंड एक्विजिशन भी है, आप ही के पास जो है तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी है।
असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो काम कर रहे होते हैं, जिन कामों की तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, उन तस्वीरों के पीछे जो शख्स भी होता है वो तहसीलदार होता है। ठीक है, वो शख्स जो कि फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बेसिकली तहसीलदार होते हैं, उनके अंडर कानून और पटवारी होते हैं, जिसके आपको मैं डिटेल बात वगैरह और बताऊंगा क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस दफा पीपीएससी ने इसके दो पेपर नहीं लिए, सिर्फ पिछली दफा लिए। पिछली दफा इसके पेपर हुआ एक जनरल नॉलेज का और एक एमसीक्यू पेपर था। आप उसमें पास नहीं करना होता तो मेरिट बनाना होता, जिस तरह आम पीपीएससी के बारे में वो मेरिट पे फिर आपको इंटरव्यू में लाएंगे, फिर इंटरव्यू में और उसके मार्क्स ऐड करके आपके जिसके भी अच्छे हुए नंबर सबसे ऊपर हुआ वो एलोकेट करते हैं। क्योंकि इस जॉब की नेचर जो है एक बड़ी फ्रॉड है, इस दफा उन्होंने इसका पेपर भी थोड़ा वैरायटी के साथ जिसके अंदर मुख्तलिफ पेपर है। फिर अब आपको अंदाजा होगा कि क्यों इसके अंदर लैंड एक्ट ऐड किया गया, ताकि एक पहले से छांटी हो गए उन लोगों की जिन लोगों को इस काम के ऊपर थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी मैं शामिल हुआ उसी बैच में तो हमें थोड़ी उन्हें ट्रेनिंग करने में मुश्किल पेश आई। हमारी तकरीबन एक साल तक ट्रेनिंग चल रही, अभी भी चल रही थी, यही वजह थी क्योंकि हमें पहले नहीं उन्होंने मांगी है जो चीज़ अभी आप याद कर रहे थे, हमें उन्होंने बाद में याद रखी और उन्हें एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज उसके ऊपर एलोकेट करने पड़े। एक साल तक हमें वो एक किस्म का मुश्किल कर पाए दे रहे हैं, हम सीख ही रहे, हमें कोई काम नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने इस दफा उसको पेपर में ऐड करवा दिया, पहले से जो बच्चे आए उनको पता हो हमें उनके ऊपर इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी चीजें बताने। इस वजह से इसके चार पेपर होंगे, इंग्लिश का पेपर होगा, इस दफा सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उर्दू का पेपर होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन उसमें 30% आई टी को ऐड किया गया है क्योंकि लैंड रिकॉर्ड के महकमे को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महकमे को कोई ड्राइव किया था। तो हमारी एक प्रॉपर कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी होती है, तो वो अब एक किस्म का गवर्नमेंट अपने सिर से काम उतार के आपके ऊपर पहले से तैयार हो गया है।